हारमोनियम लेना चाहिए, कैसा हारमोनियम हो जो वोकल के लिए, गायन के लिए सही रहता है। तो ये बहुत प्रचलित सवाल है, सब लोगों के मन में आता है, कई लोगों ने व्हाट्सएप पे भी हमें किया है, तो आज उस पर एक वीडियो क्रिएट करने का मेरे विचार आया दिमाग में। तो अभी आपके सामने यहाँ चार प्रकार के हारमोनियम रखे हुए हैं, आप इनको आप देख सकते हैं। अभी मैं सबका साउंड आपको सुनाऊंगा और इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है वो भी बताऊंगा, और कैसा हारमोनियम आपको लेना चाहिए उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अपन इस हारमोनियम से शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हो इस हारमोनियम को, ये बड़ा ही नॉर्मल हारमोनियम है। स्टॉपर्स लगे हुए हैं इसमें, ये ड्रोन्स लगे हुए हैं, इनका कोई खास यूज नहीं होता है। इनका सिर्फ इतना यूज है कि इन बड़े बड़े को आप अगर बाहर निकालते हो तो साउंड आता है, और बंद कर देते हो ऐसे करके तो साउंड नहीं आता है। अगर ये ना भी हो, जैसे कि आप इस हारमोनियम में देख सकते हो इसमें नहीं है, तो भी इसमें साउंड आता है। ठीक है, तो इसका कुछ खास यूज नहीं है। अब यह है कि आप इसका साउंड सुनिएगा, इसका साउंड कैसा है। तो आप ये नोट कर सकते हैं, इसका साउंड थोड़ा पतला है, फीमेल इसका वॉइस है, साउंड इसका पतला है। ठीक है, अब ये वाले का सुनिए। इसमें भराव है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या कारण है, ये चीज आप यहां देख सकते हैं, इसको कहते हैं कपलर। एक स्वर दबाने पे उसके अपोजिट सप्तक का वही स्वर बजता है, जैसे कि ये मंद्र सप्तक का कपलर है। कई कपलर होते हैं जो ऊपर के भी होते हैं, मैं अगर ये स्वर लगा रहा हूं तो ये यहां लग रहे हैं, ये स्वर यहां भी लगेगा, वो कपलर भी होता है। ठीक है, इसको आप कह सकते हो नरखरज, ये मंद्र सप्तक का है। ठीक है, तो इसका साउंड ऐसा है कपलर की वजह से, और इसमें कोई कपलर नहीं है, ये सिंगल बजता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक स्वर बजा रहा हूं, तो एक ही स्वर लग रहा है, दूसरा कोई भी स्वर नहीं लग रहा है। अब इसका साउंड सुनो। देखा जाए तो इसमें भी कपलर है, आप इस हारमोनियम को थोड़ा पास से देख सकते हो कि ये कपलर इसमें भी है। इसको अगर आप नीचे कर देते हो तो ये ब्लैंक बजता है, तो खाली बजेगा, नीचे कुछ नहीं बजा, लेकिन इसको ऊपर किया तो नीचे मंद्र में भी बज रहा है। अब आप ये सोचें कि इसके और इसके साउंड में फर्क था कपलर का, कपलर इन दोनों में भी है, तो इसके और इसके साउंड में क्या फर्क है। तो फर्क आता है यहां पे, इसमें जो रीड की लाइंस लगी होती हैं उसमें, इस एक स्वर के आवाज जो आती है वो जिस छेद से आवाज आती है वो इसमें और इसमें फर्क है। जैसे कि ये इसको कहते हैं वन लाइन हारमोनियम, इसमें आप अंदर देखेंगे जो रीड लगी हुई है पट्टी वो एक ही लगी हुई है, एक लाइन, ये पूरे बोर्ड की एक बोर्ड लगा हुआ है। इसमें आपको दो बोर्ड नजर आएंगे, ये है टू लाइन, और इसमें आपको तीन बोर्ड नजर आएंगे क्योंकि ये है थ्री लाइन। अब लाइन का क्या फर्क पड़ा साउंड के ऊपर, साउंड उतना ही लाउडनेस आएगा जितने लाइन लगे होंगे, क्योंकि यहां पे आप एक स्वर दबा रहे हैं तो एक छेद से आवाज आ रही है, यहां पे एक लगा रहे हो तो दो छेद से आवाज आ रही है, और यहां एक है तो तीनों छेद से आवाज आ रही है, तो ये लाउडनेस है। ऐसे ही आगे और भी होते हैं, फोर लाइन भी होते हैं, फाइव लाइन भी होते हैं। ठीक है, तो उनमें साउंड और अच्छा आता है। ठीक है, तो अब ये हारमोनियम, अब इनमें आपने फर्क देख लिया कपलर का, लाइन का और साउंड का। ठीक है, बाकी जो इसकी रीड होती है, रीड भी कई प्रकार की होती है,
है ना, पालीताना रीड होती है, जर्मन रीड होती है, पंजाब में पंजाब की अलग रीड होती है, देसी रीड्स होती हैं कुछ, पेरिस की रीड होती है, कई प्रकार की रीड्स होती हैं, लेकिन अपने को नॉर्मल जो देसी रीड है वो साउंड बड़ा अच्छा होता है, पालीताना है वो बहुत मेलोडियस होता है, ठीक है। तो अब इसका साउंड एक बार सुनो। इसके साउंड में और इन तीनों के साउंड में फर्क है, ठीक है। अब इसका क्या रीजन है, एक पहली बात तो इसमें कपलर नहीं है, ठीक है। ये जब मैंने बजाया तो सिंगल साउंड था, इसको आप क्लोज से देख सकते हैं, इसमें कोई भी कपलर नहीं, मैं एक स्वर दबा रहा हूं तो एक ही स्वर दब रहा है, कपलर नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, इसका आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, नॉरल हारमोनियम से इसका स्ट्रक्चर भी अलग है। यहां आप इसका स्ट्रक्चर देखिए और एक स्ट्रक्चर इसका देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब इसको कलकत्ता में बनाया गया है, ये कलकत्ता मेड हारमोनियम है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो ये वो स्टाइल है, इंग्लिश चाबी कहते हैं इसको, ये जैसे चाबी इसको कहा जाता है हिंदी में कि इसको चाबी कहते हैं, तो इसको इंग्लिश चाबी का हारमोनियम भी कहते हैं, और ये नॉर्मल, ठीक है। तो पहला फर्क तो ये तो डिजाइन का फर्क है, और दूसरा फर्क ये होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें थ्री लाइन होगी, तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, यहां पे ये एक लाइन है, ये सेकेंड एंड ये थर्ड है, ठीक है, थ्री लाइन्स है। इसमें ऐसी दो लाइन बनी होंगी सिर्फ, ठीक है, इसमें ऐसी सिर्फ एक ही लाइन होगी, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं तीन प्रकार की लाइन है अलग अलग, और वो भी ये एक खड़ी है, एक ये लेटी हुई है, और आधी लेटी हुई है और आधी खड़ी है, तो इसको कहते हैं खड़ी कंगी। ये जो पार्ट है ये बोर्ड खड़ा होता है स्टैंडिंग, तो इसको खड़ी कंगी भी कहा जाता है, तो ये खड़ी कंगी हो गया और एक ये है, तो खड़ी कंगी का भी साउंड का फर्क पड़ता है, अगर आपकी जो बोर्ड है वो ऐसा स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसका साउंड का भी फर्क पड़ता है, बाकी नॉर्मल में ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ आपने थ्री लाइन देख लिया, तो ये थ्री लाइन का हारमोनियम है, कपलर इसमें नहीं है, और इंग्लिश चाबी का है, ठीक है, कोलकाता मेड है। कौन सा हारमोनियम हमें लेना चाहिए जिससे हमें गायकी में आसानी हो, तो हारमोनियम में क्या क्या होना चाहिए वो तो सब मैंने आपको दिखा दिया, अब गायकी के लिए ये हारमोनियम नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें सिंगल रीड है, पतली आवाज है, ठीक है, तो पतली आवाज आवाज के साथ सेट नहीं होती है, मैच नहीं करती, ये आप बजाने के लिए सीखने के लिए होता है, इसलिए हमने रख रखा है ये भी, ठीक है। बाकी आपको लेना चाहिए या तो टू लाइन या तो थ्री लाइन, ठीक है, कि इसके साथ जब गाते हो तो आवाज मैच करती है, इसमें एक बार ट्राई करता हूँ आपके सामने। सारे गपा गरे गरे भरा हो जैसा आया है ना, और इसमें करिए सारे गा पा नी सा, ये भी एकदम भरा जैसा लगा, सारे गा पा नी सा, ये भी भरा है, लेकिन यहाँ खालीपन होता है, सारे गा पा नी सा, इसमें भराव की कमी है, ठीक है। तो आपके हारमोनियम में क्या होना चाहिए, पहली चीज कपलर, ठीक है, जो कि मंद्र सप्तक का हो, उल्टा भी होता है वो भी चलता है ऐसा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ वाला वो तो अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरी चीज लाइन का आपको ध्यान रखना है, कि जैसा कि मैंने इसमें दिखाया था वीडियो में कि वो थ्री लाइन लगी हुई थी, तो या तो थ्री लाइन हो या ऐसा टू लाइन हो, अब इन दोनों में प्राइस का अंतर है, कि ये थोड़ा सा आपको नॉर्मल रेट में मिल जाएगा, अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 10,000 से 12,000 के बीच में आपको ऐसा हारमोनियम मिल जाना चाहिए, और ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, 15,000 15,000 के आसपास आपको आएगा,
क्योंकि 3 लाइन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ठीक है, बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। एक और डिफरेंस है जो आपको इसमें अभी दिख रहा होगा, धमन का। यहां पे आप देखो तो ये दो ही हैं, दो ही धमन कहते हैं इसको, एक और दो, लेकिन यहां पे 7 धमन है, गिनिए 1 2 3 4 5, ये छठा ये और सातवा ये, स्टार्टिंग और एंडिंग, एंडिंग का एक एक और 1 2 3 4 5 बीच में है, सेम दोनों में भी है 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ 1 2 3 तीन ही है, ठीक है। ऐसा एक और भी आता है जिसमें बीच वाला बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, तो इससे आवाज पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ऐसा धमन इसमें भी लग सकता है, लेकिन इससे आपकी हवा पे फर्क पड़ता है कि ये ज्यादा आपको ऐसे चलाना नहीं पड़ता, बहुत आसानी हो जाती है बजाने में, ठीक है। तो आपके हारमोनियम में 7 धमन, कपलर, नर खरज यानी कि मेल मंद्र सप्तक, ठीक है, और 2 लाइन या फिर 3 लाइन का होना चाहिए, तो आपकी वॉइस के साथ वो हारमोनियम मैच करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे टाइप के भी हारमोनियम होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कई बार कि स्टॉपर्स से जो लगे होते हैं या उनको खींचने से ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या फिर स्केल चेंजर लें कि नहीं लें, है ना, स्केल चेंजर भी ऐसा ही होता है, इंग्लिश चाबी होता है क्योंकि कलकत्ता मेड होता है, ठीक है, सेम उसका ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, बस उसमें एक सुविधा होती है कि आपको और कहीं से बजाना आए ना आए, आपको अगर एक स्केल से आता है तो आप यहाँ से उसके यहाँ पे कुछ एक सिस्टम होता है, आप ऐसे उसको की को उठाएंगे तो ऐसा का ऐसा आपका ये बोर्ड खिसक जाएगा जिस भी स्केल पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है, और साउंड वहीं का आएगा, बजाएंगे आप अगर यहाँ से पहली गाली से आपको बजाना आता है, ठीक है, तो हम उसको प्रेफर नहीं करते हैं। साउंड नो डाउट उसका बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो आपको देखा जाए तो आपको अगर 12 स्केल अगर आते हैं बजाना तो आपको स्केल चेंजर की जरूरत ही नहीं है ना। तो संगीत प्रवाह वर्ल्ड का जो कोर्स है, स्वरांगिनी जो हमारी म्यूजिक बुक है, उसका जो कोर्स है वो ये कहता है कि आपको हर जगह से बजाना आना चाहिए, 12 स्केल से। जब 12 स्केल से 10 थाटों में आप अलंकार बजा सकते हो तो स्केल चेंजर की आवश्यकता ही नहीं है। फिर आप स्केल चेंजर को अगर यूज भी करते हो तो एज अ उसका साउंड के लिए आप उसे यूज करेंगे कि उसका साउंड बड़ा मेलोडियस होता है, ठीक है, तो उसके लिए आप उसे यूज कर सकते हैं, ना कि उसे आप एज अ स्केल चेंज करने के लिए, ठीक है। तो जिसके पास भी स्केल चेंजर है वो उसको यूज करे, लेकिन स्टैंडर्ड रख के, उसको ज्यादा यहाँ छेड़खानी ना करे, उसे स्टैंडर्ड रखे और हारमोनियम का 12 स्केल से अभ्यास करे बजाने का पहले। जो हमारे स्वरांगिनी के 10 पेज के अलंकार हैं उनको 10 थाटों में बजाएं, बिलावल, भैरवी, यमन, भैरव, काफी, खमाज, आसावरी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, ये सारे 10 थाट हैं, इनमें बजाए, फिर स्केल चेंज करे, दूसरी काली से बजाए, पहली काली से, तीसरी काली, चौथी काली, पांचवी काली, ये 5 कालियां और नीचे की 7 सफेद से उसको बजाना आना चाहिए। तो जब ये सारा काम होता है तो स्केल चेंजर की आपको आवश्यकता नहीं है। तो हारमोनियम के टाइप्स आपने देख लिए, और भी होते हैं, ठीक है, तो आपको जो भी हारमोनियम जिस भी टाइप का लेना चाहिए उसका पूरा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में है, तो अभ्यास करते रहिए। ये है दीप।